हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कढ़ी पकौड़ा का रेसिपी। मतलब कभी कभी ये रेसिपी शेयर कर पाती हूँ, तो आज सोचा कि शेयर करती हूँ। और इसके लिए मैंने काट लिया है ये मिर्ची, हरा मिर्ची और प्याज। और यहाँ पे बेसन में सारा मसाला डाल दी हो, जो भी है मसाला जो सब्ज़ी में डालते हैं वो सारा। और उसके बाद दही डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे, जैसा पकौड़ा का होना चाहिए वैसा पेस्ट बना लेंगे। और दही, अगर पानी भी डालना है तो पानी भी डाल सकते हैं। मैं दही ही डाली, इसी में हो गया था, इनफ था, तो बस दही ही डाली हूँ। अगर पानी डालना है तो पानी डाल सकते हैं, या फिर खट्टा दही है तो ज़्यादा दही नहीं डाल सकते, थोड़ा दही और उसके बाद पानी, या फिर दही नहीं भी डाल सकते हैं तो उसके बाद खावा छोटा थोड़ा सा डाल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, फ्लफी होगा। एक तरफ मैं कढ़ी बना रही हूँ और एक तरफ पकौड़ा तलूँगी, क्योंकि मुझे बनाना था खाना जल्दी जल्दी। आज के दिन में मेरा भाई घर जाने वाला था बिहार। ये 28 तारीख का ब्लॉग है, बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई थी, बस वही है, खाना बनाई, लंच बनाई उसके टिफ़िन में ले जाने के लिए, और यही सब में मेरा टाइम भी बीत गया था। आप आगे देखोगे मैं तैयार व्यार भी कुछ भी नहीं हुई थी। वैसे तैयार होने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी एक होता है ना जो बिजी बिजी रहते हैं तो उस तरह उसका एक फेस अलग सा दिखता है, थका थका सा। तो मतलब उठने में कोई कंप्रोमाइज़ तो होता नहीं, उठती तो लेट से ही हूँ, चाहे उस दिन कुछ भी हो लेट हो ही जाता है। मतलब वो रात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रात में नींद पूरा हुआ कि नहीं, तो ज़्यादातर नहीं होता है। तो यहाँ देख सकते हैं तेल गर्म हो गया था, तो मैं सरसों या फिर राई जो होता है वो डाली, राई ही डाली थी। उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची ये सब डाल के जब भुन जाएगा तो उसमें सारा मसाला डालूँगी कढ़ी में सारा मसाला। जब अच्छे से भून, वैसे इधर मैं तल रही हूँ पकौड़ा भी, क्योंकि साथ साथ में पकौड़ा भी हो जाएगा, और जितना टाइम लगेगा पकौड़ा तलने में उतना टाइम लगेगा कढ़ी बनने में, और जब हो जाएगा तो दोनों मिक्स कर देंगे। और मैं जो ये पकौड़ा बनाती हूँ मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं एक बार जो बनाती हूँ वो पूरा मैं खाने के लिए निकाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यमी यमी सा, क्योंकि प्याज रहता है और फिर क्या बोलते हैं दही का फ्लेवर सब जो आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और दोनों साइड जो दोनों चीज़ पे ध्यान है ना, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मतलब रेड रेड हो जा रहा है, मतलब जला तो नहीं है लेकिन एकदम ये हो जा रहा है। ये मैं दिखा रही हूँ सारा मसाला इसमें डाल दी हूँ, जो प्याज में भून रही थी सारा मसाला, जो भी सब्ज़ी में डालते हो सारा मसाला डालने के बाद भून लेंगे, जैसे सब्ज़ी का ग्रेवी तैयार करते हैं समझो उतना काम कर लेना है। और जब ये मसाला अच्छे से भून जाएगा तो बेसन घोल लेंगे थोड़ा सा, जितना आपको कढ़ी रखना है, और उसमें साथ ही साथ दही भी घोल लेंगे, और दोनों का घोल बना करके इसमें डाल देंगे। और उसके बाद तीन गुना पानी डाल देंगे, क्योंकि ये जब अच्छे से खोलेगा तो गाढ़ा हो जाएगा। मेरा तो कढ़ी हमेशा ही गाढ़ा हो जाता है और मुझे पसंद भी है। मतलब दो तरह का कढ़ी बनता है, एक बिना मसाला वाला और थोड़ा पतला, और एक मसाला वाला गाढ़ा, तो मुझे गाढ़ा वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ मैं एक बार चावल खाती हूँ वहाँ कढ़ी पकौड़ा जिस दिन बनता है उस दिन दो से तीन बार खाती हूँ। और शादी से पहले मुझे कढ़ी पसंद भी नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी सिंपल वाला बनाती है, जो जिसमें मसाला नहीं पड़ता है वो वाला, थोड़ा पतला वाला, तो वो मुझे पसंद नहीं है। बड़ी भी जो बनाती है, जो बड़ा, वो भी थोड़ा अलग तरह से बनाती है, तो वो तो फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरा बनाया हुआ मुझे ज़्यादा पसंद है ये वाला। ये मैं यूट्यूब से ही ये रेसिपी सीखी थी, और एक ही बार सीखी, इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि सब्ज़ी का ग्रेवी तैयार करके उसमें बेसन और दही घोल के डाल देना है, और इधर तो पकौड़ा तो सबको आता ही है, उसी में आप अपना ऐड कर लीजिए। दही ऐड करना है दही ऐड कीजिए, प्याज ऐड करना है ऐड कीजिए, नहीं करना है तो भी हो जाएगा। तो ये मेरा कढ़ी पकौड़ा बन के तैयार हो चुका है। और उसके बाद मैं बनाई थी आलू पनीर की सब्ज़ी। तो वैसे कढ़ी पकौड़ा जब हम नॉर्मल डे में बनाते हैं तो सिंपल सा कोई सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा खाने में यही इंटरेस्टिंग लगता है, ज़्यादा हम लोग कढ़ी पकौड़ा ही खाते हैं। तो कोई सिंपल सा सब्ज़ी हो गया और पापड़ हो गया तो बहुत अच्छा लंच हो जाता है हमारा। तो ये देखिए कढ़ी पकौड़ा बन के एकदम रेडी है, एकदम मस्त है, दिख रहा है जैसा भी हो लेकिन खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा। उसके बाद खाना पीना हम लोगों का हो गया था, चावल कढ़ी सब्जी ये सब हुआ था, और मेरा भाई जाने के लिए यहाँ रेडी है। मैं हंस रही थी इसलिए क्योंकि लड़का में और लड़की में या औरत में कितना अंतर होता है। हम लोग मायके ससुराल जाते हैं तो नया ड्रेस पहन के जाते हैं, यहाँ से घर भी जाएंगे तो नया कपड़ा पहन के जाएंगे, वहाँ से भी यहाँ आएंगे तो नया कपड़ा पहन के आएंगे, कहीं घूमने जाएंगे उसके लिए भी, मतलब नया कहने का मतलब ये नहीं कि खरीदो और फर्स्ट टाइम पहनो, लेकिन घर का जो कपड़ा रहता है वो नहीं। लेकिन लड़कों का क्या है ना,
वही कपड़ा घर में पहनेगा, वही कपड़ा घर में तो बहुत कम ही पहनता है लोग, लेकिन फिर भी वही कपड़ा पहनेगा, वही कपड़ा घूमने भी जाएगा तो वही कपड़ा कहीं भी। यहाँ देख सकते हैं मीठी का तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया था। वैसे तो 27 के सामने ही थोड़ा थोड़ा हुआ था, 28 को फीवर लग गया था आप देख सकते हो मीठी को, और दवा देना स्टार्ट हो गया था, बाबू गिर गया। तो ये पूरे दिन में 48 बार गिरता होगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मेरे भाई को छोड़ने, क्योंकि ये स्टेशन जाएगा मेट्रो से। वैसे जब हम लोग जाते हैं तो कैब से जाते हैं, लेकिन कैब में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, मतलब 1500-1300 ऐसे लग जाता है, 1300-1500 ऐसे, 1600 हर तरह का होता है जब भी बुक करो तो। तो ये सोचा कि अकेले जाना है, मतलब जहाँ बच्चे और लेडीज़ है वहाँ ज़्यादा सोचते हैं हम लोग, लेकिन ये खुद के लिए अकेले जाना है तो चलो ये गाड़ी से यहाँ से मेट्रो स्टेशन और वहाँ से चले जाएँगे। मैं इतना डिटेल में बता देती हूँ सारा कुछ, खैर आप लोग फैमिली हो तो आप लोग के साथ ही सब कुछ शेयर करेंगे। तो वो चला गया और ये देख ही रहा है अभी तक, ये ढूंढ रहा है, इधर उधर देख रहा है, जब वो मतलब जहाँ तक दिख रहा था वहाँ तक तो देख रहा था, उसके बाद भी इधर उधर ढूंढ रहा है। तो लेकिन रोया नहीं है, और रोने वाला सिचुएसन हम लोग क्रिएट नहीं किए थे, क्रिएट नहीं करना होता है, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी जाने वक्त रोने लगता है बच्चा। लेकिन जब निकला था ना तो मैं छुपा दी थी बाबू को थोड़ा सा, और मम्मी ये पहले ही बता दी थी कि रुलाना नहीं बाबू को बिल्कुल भी, क्योंकि वो रोता हुआ उसका वीडियो देख लिए थे तो कलेजा फटने लगा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था जब मेरा छोटा भाई गया था। तो तभी दो दो तीन तीन बार फ़ोन करके समझा दी थी कि बाबू को रुलाना नहीं, तो छुप के निकल जाना ऐसा था। और ये देखिए मेरे घर आई एक नन्ही परी ये ना मैं दूसरे वाले रूम में थी, मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या उनके मन में आया, जबकि ये सब वो नहीं करते हैं, और ये पहना दिए। जब मैं अचानक से देखी ये फ्रॉक पहन के, इतना ज़्यादा हंसी आया, इतना ज़्यादा क्या बताऊँ। तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली, वैसे रात का क्लिप है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा फिर भी रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद ये है फीवर, मीठी को 4 दिन लगा है, 27, 28, 29, 30 तक लगा है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा कड़ी पकौड़ा का ले ली, थोड़ा सा भाई के जाने का ले ली, और वो अलग अलग दिन का है, मतलब 28 तारीख का है तो 29 तारीख का है, ऐसे करके है थोड़ा सा। 29 तारीख को तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि मीठी का तबीयत ठीक नहीं था, उसको 3-3 बार दवा देना है, उसके साथ रहना है, फीवर बच्चे को लगता है तो कैसा मन रहता है। और ये 30 है जिसमें तबीयत एकदम ठीक हो गया था, लेकिन एक दवा था जो कि डोलो मैं देती हूँ बच्चे का फीवर का है, वो मैं छूट गया था, नहीं दे पाई थी, क्योंकि मीठी का तबीयत ठीक हो गया था और वो छोड़ने की वजह से फिर से फीवर चढ़ गया। जब सो गई ना दोपहर में तो इसको फिर से चढ़ गया। तो उससे पहले इसका फीवर वाला कोई रिकॉर्ड नहीं मैं कर रही थी, लेकिन ये तबीयत ठीक ही लगभग हो गया था, दवा देर भी नहीं रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे को दवा भी नहीं खिला सकते हैं, और 98.8 था फीवर, तो मैं सोची इतना मैं क्या दवा दूँ, कम से कम 100 रहता है तो दवा देते हैं, तो दवा ना दे करके यहाँ पे मैं इसका ये कॉटन कपड़े से ना पैर और हाथ ऐसे मलोगे तो फीवर उतर जाता है जल्दी, और सर पे अगर पट्टी रखो तो मैं वही कर रही थी, और बहुत ज़्यादा नहीं था तो बस थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर ली कि आप लोगों के साथ शेयर करना है, 3-3, 4-4 दिन ऐसा हुआ है तो लास्ट में, तो इसमें मैं वीडियो बना ली, नहीं तो मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियो, नहीं बता पाती हूँ जो मतलब खुशी का पल हर पल मैं शेयर कर पाती हूँ, लेकिन दुखी वाला पल मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं वही चीज़ करती हूँ जब मेरा मन खुश रहता है, तो दुखी रहता है तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ ऐसा कुछ। तो बस यही हमारा दिन रहा है, 30 तारीख तक हमारा ऐसा ही गया, और एक ऐसा ही गया क्योंकि कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही, बहुत आवाज़ है सोना, थोड़ा सा आवाज़ कम कर दी। तो फिर हम कुछ नहीं रिकॉर्ड कुछ भी नहीं की, और अब मैं ब्लॉगिंग करूँगी 3 तारीख से, समझो अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी, उसके बीच में तबीयत ख़राब ये वो सब कुछ हो गया। अब मिठी का तबीयत ठीक है 1 तारीख से, 3 तारीख से मिठी स्कूल भी जाएगी, और आज बीच में है तो आज ही होमवर्क थोड़ा करवाना था ये सब, तो ये सब करने के बाद बस मैं एडिट करके और वीडियो डाल दे रही हूँ, ज़्यादा मैं देख भी नहीं रही हूँ कि व्यूज़ क्या है, ये है वो है, जब कभी देख रही हूँ थोड़ा सा कम्युनिटी में शेयर कर दे रही हूँ, और ये वो ज़्यादा अपडेट भी नहीं देख पा रही हूँ कुछ भी। सो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मैं मिलूँगी न्यू ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।